इस न्यूज के प्रायोजक है होमा गिफ्ट मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। 10 लाख रुपए जिंदा शाह मदार चौक, जो हमारे साथी बोल रहे थे कि ये आयुक्त काम कर रहे हैं, वो मेरा बजट है, वो आपके सामने रखा हूँ। इस तरह से 2 लाख आरोप प्लांट जीजा माता हॉस्पिटल में बिठाना है, 2 लाख ओपन जिम, ये अभी प्रोग्रेस में है, ये टेंडर को जाएंगे इंशाल्लाह। ऐसा बहुत सारा बजट है। और अन्ना वो साठी का निधि 25 लाख रुपए डामरीकरण रस्ता करना पोटफावड़ी थे सोशल कॉलेज, 10 लाख रुपए रस्ता कॉन्क्रीट करना राहुल गांधी अंतर्गत झोपड़पट्टी में, और 87 लाख रुपए जिंदा शमादार चौक ते पद्मशाली चौक रस्ता कॉन्क्रीट करना, और 25 लाख रुपए आज भी मेरे दलित बस्ती के हेड पर है, अभी मैं वो काम सुचा सकता हूँ कहीं भी उस तरह से। और उसके साथ में एक माइनॉरिटी का फंड था 2015 का, वो 2015 और 16 में जो माइनॉरिटी का फंड था वो नगर सेवकों को मालूम भी नहीं कि फंड आया, उन्होंने काम किया नहीं। जब मैं 17 और 18 में चुन कर आया तो उस वक्त मुझे मालूम हुआ कि माइनॉरिटी फंड है, वो माइनॉरिटी फंड अगर मैं वहां पर अगर उसको फॉलो नहीं करता तो लैप्स होते। वहां पर कादर भाग नगरी के आसपास का कॉन्क्रीट रस्ता झोपड़पट्टी में और रविन्द्र बाग डामरीकरण, इस तरह से वहां पर 20 लाख और वार्ड वाइज निधि सबको 30-30 लाख, हर साल 6-6 लाख रुपए मिली, इस तरह का मेरे पास बजट है। अगर 2 नगर सेवक मिलकर मेरे बजट की बराबरी कर दे तो मैं राजकीय संन्यास लूंगा। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर कोई अपने प्रभाग में कोई बात करता है, अपने प्रभाग में 4 फेमस चौक है, भारतीय चौक है, जिंदा शाह मदार चौक है, बीजापुर बेस है और अपना किडवाई चौक है, तो आप मीडिया वाले 4 नगर सेवकों को वहां पर बुलाओ। मैं खुद बार बार बोल रहा हूँ पब्लिक से कि आप नगर सेवकों से हिसाब लो कि आप अपना बजट कहाँ पर खर्च किए। मैंने तो अपना बजट बताया कि कहाँ पर खर्च किया, इस तरह से आप भी अपना बजट बताएं। और आमदार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रभाग को 2 से 2.5 करोड़ का बजट दिया है, मगर जो नगर सेवक बोल रहे हैं कि मैं काम किया हूँ, उस नगर सेवक को 5 रुपये भी बजट नहीं दिए। मेंबर साहब, एक सीधा सवाल है, अगर आपने इतना काम किया है तो लोगों में नाराजगी क्यों है? कहीं भी नाराजगी नहीं है, आप बताओ हर लोगों का। आप एक पिछले बारी उन्होंने कंप्लेंट भी की कि मैंने एक लड़के के नाम पर कंप्लेंट दिया पानी नहीं आया बोलकर, वो लड़का मुझसे शरारत कर रहा था। आप इस पर से समझ सकते होंगे वो लड़का रात में 2:30 बजे फोन कर रहा था, 2:30 बजे जब रात में मैं 2:30 बजे फोन उठाता हूँ कंटिन्यू, वो 3 दिन से परेशान कर रहा था। और वो उस लड़के का है ना रिकॉर्ड भी क्रिमिनल था, वो लड़का माफी मांगकर मुझे बोला चाचा इस बार मुझे माफ करो, मुझे सिखाया गया था। उस लड़के का नाम भी मैं आपको डिक्लेयर करूंगा अगर वो आप फोर्स करेंगे तो। पिछले 1-2 वीडियो में राहुल गांधी की महिलाओं के साथ जो बहसबाजी या जो नाराजगी का इजहार हुआ, अगर आपने काम किया तो उनकी नाराजगी क्यों है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। वो जो चैनल वाला है उसकी मेरे से क्या जाती दुश्मनी है मुझे पता नहीं। आप उस चैनल के मेरे पास वीडियो है, वहां पर वहां की औरतें पिछले नगर सेवक की शिकायत कर रही थी, मेरी कोई रिश्तेदार वहां पर नहीं रही थी। वो जो लैंग्वेज थी वो औरतों को गालियां दे रही थी, मुझे नहीं दे रही थी, लेकिन उसने है ना शरारत कर मेरे खिलाफ में न्यूज लगाया। उसके वीडियो है, वही औरतों ने उद्घाटन किया है, वही औरतों का फुटेज है मेरे पास उद्घाटन किया। वो औरतों से मुझको शिकायत नहीं थी, आप वापिस वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। वो औरतें पिछले नगर सेवक की शिकायत कर रही थी कि उनके नल तोड़े गए थे, मैं तो कभी किसी का नल तोड़ा नहीं। उस परिसर में उन महिलाओं का ये आरोप है कि वहाँ पर जो ड्रेनेज लाइन का जो कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, तो पुरानी लाइन छोटी रहने के बावजूद आप जो वहाँ पर बड़ी लाइन डाल रहे हैं उसके वजह से वहाँ पर विरोध हो रहा है। वहाँ पर जो ड्रेनेज लाइन, सुनो ना, अब तक तो वहाँ पर ड्रेनेज लाइन ही नहीं थी। अब तक के जो नगर सेवक थे उन्होंने कभी उस एरिया पर ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ पर ड्रेनेज लाइन ही नहीं थी, छोटी या बड़ी कुछ नहीं थी। लेकिन मैंने वहाँ पर 10 इंच के लाइन का ड्रेनेज लाइन डाला। देखो ड्रेनेज लाइन डालना, किसको कहाँ पर जोड़ना, ये नगर सेवक का काम नहीं रहता, ये काम इंजीनियर का रहता। ओके, वो उनका मैनुअल कहाँ पर है, उसको कहाँ से फ्लो लेकर जोड़ना। जब वहाँ की महिलाओं ने कहा कि हमारे यहाँ मत करो, हाँ उनकी तकरार थी लेकिन पहले दिन नहीं थी, पहले दिन वहाँ पर ऑलरेडी जोड़ा गया था, वो औरतें कुछ भी नहीं बोली। लेकिन 2 दिन के बाद जब काम पूरा होने को था, वहां पर जोड़कर पूरा आगे गया था वो ठेकेदार, वहां पर कुछ लोगों ने सिखाया कि तुम्हारे यहाँ पर घरों में पानी आएगा, वो बोलने के बाद वहां पर औरतें ने शिकायत की कि हमारे यहाँ मत जोड़ो। फिर उसका भी हमने हल निकाला कि उसको आगे की लाइन को जोड़ने का, 60 मीटर और आगे का बढ़ गया बजट, उसको आगे जोड़ने का मंजूर कर लिया। मेंबर साहब, प्रभाग की दुरावस्था और आपके बताए हुए काम,
ये दोनों में सही कौन है? पेपर, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं नहीं, पेपर जो बोलता है वो सही रहता है, जो पेपर पर बोला जाता है, जो टेंडर निकलता है उस पर सही और गलत का फैसला किया जाता है। मेंबर साहब, सिर्फ कागज पर ही काम है, एक्चुअल में वहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है, ऐसा वहाँ नजारा है। प्रभा की दुर्वस्था एकदम स्लम से भी नीचे हो गई है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? प्रभाग है इतना बड़ा, और नगर सेवक अगर अपने अपने एक 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 एरिया में काम करेंगे तो इंशाल्लाह पूरा काम होता। वही तो बताता हूँ कि एक नगर सेवक के साथ जो काम करने वाला नगर सेवक है उसको सपोर्ट करने वाले एक नगर सेवक रहेंगे तो प्रभाग का काम होगा। विरोध होकर अपने कार्यकर्ताओं को सिखाकर वो काम रुकवाने की कोशिश करेंगे तो प्रभाग का काम कैसा होगा? इस प्रभाग में आपके 3 नगर सेवक है, फिर भी आप ये बात कह रहे हैं? आप जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं कि मैं, मेरी जबान कड़वी है क्योंकि मेरी जबान जी हुजूरी करने वाली जबान नहीं है। फिर मैं जी हुजूरी करता हूँ तो सिर्फ अल्लाह की करता हूँ, किसी ताई और भाई की नहीं जी हुजूरी करता। बड़ी लाइन छोटी लाइन करगा जिंदा शाह मदार की अभी जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर समस्या ये है कि 9 इंच और 12 इंच दो पाइपलाइन नीचे से ड्रेनेज के लिए बनाई गई थी। 9 इंच में से अगर पानी ज्यादा होता है तो ओवरफ्लो के लिए 12 इंच ऊपर लगाई गई, आप दोनों लाइन निकाल कर 10 इंच लगा रहे हैं। वहाँ के नागरिकों का ये कहना है कि अगर आप 12 इंच लगवाते हैं तो क्या होगा? जब नागरिकों के लिए आप चुने गए हैं तो नागरिक जब आपसे कह रहे हैं कि 12 इंच लगवा दो, तो 10 इंच का एस्टीमेट चेंज कर अगर आप 12 इंच का लगवा सकते हैं या नहीं? सुनो सर जी, ये 10 इंच, 12 इंच, 9 इंच का आप जो बता रहे हैं, नीचे की लाइन भरती तो ऊपर से जाते, कभी दो लाइन डालते ही नहीं। जब भी ड्रेनेज लाइन डाली जाती है नीचे की लाइन निकाल कर लाइन डाली जाती, नीचे की लाइन रख कर ऊपर और फ्लो लाइन डालते नहीं है। वो काम गलत हुआ था, मैं बार बार बता रहा हूँ कि नीचे की 9 इंच लाइन निकालकर 9 इंच डाल रहे थे, नीचे की 12 इंच निकालकर 9 इंच डाल रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। लोगों को गलत फहमी पैदा कर काम रुकवाया गया। और ड्रेनेज लाइन डालना नहीं डालना ये काम इंजीनियर का रहता, टेक्निकल नगर सेवक का नहीं रहता। मैं बार बार बता रहा हूँ, नगर सेवक अपना बजट इस्तेमाल कर सकता है लेकिन टेक्निकल काम इंजीनियर कर सकता हूँ। जब इस नागरिक वहां के रुका रहे हैं तो आप उनके ऊपर जो है सरकारी कामों में अड़ताल डाल रहे हैं, इस प्रकार से आप जो एक निवेदन भी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लेटर ऑलरेडी हेड ऑफिस से आया था कि अगर कोई काम रुका रहा तो उस पर सरकारी काम अड़ताल, ये गुनाह दाखिल कर काम कर लो, ऐसा लेटर पुरकार हिरोली साहब पास है। लेकिन जो वो दो टीचर थे उनकी नौकरी की जिम्मेदारी, अगर उनकी नौकरी जाती तो उनकी नौकरी की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी वजह से उन लोगों पर गुनाह दाखिल नहीं किया गया। लेकिन अब जो काम होगा, अब जब वहां पर काम रुकवाएगा तो सरकारी जो यंत्रणा है, महापालिका के अधिकारी, वो उस पर गुनाह दाखिल कर काम कर ले। अब पिछले 4 साल से वो लोग परेशान है ड्रेनेज की समस्या लेकर, तो अब ये काम होगा या नहीं? इंशाल्लाह जरूर होगा, क्यों नहीं, टेंडर को है वो काम, तो टेंडर को है, टेंडर भी हो गया उसका, और वो टेंडर होकर वर्क ऑर्डर होकर काम शुरू होगा। तो मैं वहाँ के लोगों से यही चाहता हूँ कि वो फुरकान हिरोली जो है वो नॉन करप्टेड आदमी है। आप नागरिक काम करने वाले या इंजीनियर काम करने वाला? मेंबर तो इंजीनियर को काम करने दो ना। आपने बताया कि आप लोग, आपके बारे में लोगों में गलत फहमियां फैला रहे हैं, तो इनके पीछे इनका क्या मकसद है? ये इसको पकड़ के ये लोग, क्या आपके पार्टी में आपका विरोध है? पार्टी का देखो, हर पार्टी में एक दूसरे को विरोध रहता ही है, क्योंकि मेरे जो काम करने का जो तरीका है, मैं मुक्का नगर सेवक नहीं हूँ, मैं अपने प्रभाग की, अपने शहर की समस्याओं को बार बार सभागृह में उठाने वाला अकेला रियाज करा दिया है। आप पूरे मेरे वीडियो देख सकते हैं, आप चैनल वाले हैं वहाँ पर हाजिर भी रहते हैं, हर मुद्दे पर, हर मसले मसाइल पर अगर कोई बात करता है तो रियाज करा दी करता है। बाकी नगर सेवकों की तरह मैं जाकर सिर्फ बैठ कर नगर सेवक का रुबाब नहीं झाड़ता हूँ। मेंबर साहब, आपके ऊपर एक आरोप ऐसा है कि आप शहर अध्यक्ष के साथ या आपके पार्टी के साथ एक निष्ठे नहीं रहते और उनकी फोटो का इस्तेमाल नहीं करते, तो आप प्रभाग के साथ क्या रहेंगे निष्ठ, ऐसा एक आरोप आप पर? अध्यक्ष की फोटो डालना ये निष्ठा हुई क्या? काम करना, प्रभाग के लोगों के मसले मसाइल हल करना या फोटो डालकर घूमना? फोटो डालकर अगर किसी की चापलूसी कर अगर लीडर बनना है तो वो रियाज खराबी में नहीं है ना। लोगों के काम कर लोगों में जाकर काम करने वाला रियाज करा दिया। हाँ, ये षड्यंत्र पार्टी के हैं या बाहर के? देखो, इसमें पार्टी के भी है और बाहर के भी है। कुछ लोग नहीं चाहते, और देखो मेरा कोई कार्यकर्ता तलवार सिख के काटने वाला नहीं है,
या कॉलेज पास ठहर कर छेड़छाड़ करने वाला रियाज खरादी का कार्यकर्ता नहीं है। मेरा कार्यकर्ता पेन कलम का कलम चलाने वाला मेरा कार्यकर्ता है। रोड पर आकर नाचने वाला कार्यकर्ता रियाज खरादी का नहीं है। जो साइलेंट वोटर है वो बिल्कुल बिल्कुल 100% रियाज खरादी के साथ है। हाल ही में आपने जो है जेरोल पुलिस स्टेशन के रोड के लिए बनवाने के लिए खासकर महापालिका में बैठकर सर का मुंडन करवाया था। उस मुंडन करवाने के बाद भी एक साल हो गया, आज तक वो रोड नहीं बनी। आप एक ही रोड के पीछे लगे जिस वजह से चारों नगर सेवक एक दूसरे से लड़ बैठ रहे, तो उन नागरिकों का क्या जो पिछले 14 सालों से वहां की रोड खराब है? जेल रोड का आप मैं बता दूं, मैं चारों रोड के लिए मुंडन किया था और लोग है ना लीडर अपने कार्यकर्ताओं को बिठाकर मुंडन करते, मैं वो नगर सेवक हूं, खुद बैठकर मुंडन किया चारों रोड का। और चारों रोड में से 3 तो रोड का आपके सामने दिख रहे, काम हो रहा है अभी फुटपाड़ी चौक से सोशल कॉलेज, ये मेरे मुंडन का मेरे को सिला मिला। और ये जिंदाशाह मदार चौक, ये भी रोड सैंक्शन है, ये भी इंशाल्लाह ये टेंडर 9 तारीख तक है, 9 तारीख के बाद अगर आचार संहिता नहीं लगी वो भी काम शुरू होगा। और जो जेल रोड का आप बता रहे हो वो आमदार परिणीति शिंदे के बजट में से 30 लाख रुपए उन्होंने नगरोत्थान में दिया था। अब नगरोत्थान का बजट मंजूर होता है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने वो रोड का ऑलरेडी प्रपोजल दिया हुआ है। आखिर में आपका आपके विरोधकों को क्या कहना है? मेरा विरोधकों से नहीं, मेरा जनता से गुजारिश है, मेरे परिवार के लोगों से, मेरे शहर के लोगों से गुजारिश है। आपका रहनुमा, आपका नगर सेवक एक अभ्यासु पढ़ा लिखा और बोलने वाला नगर सेवक चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो। अगर कोई आकर बताता है कि ये अपने मजहब का है, अपने समाज का है, अपने मोहल्ले का है, अपना रिश्तेदार है, तो किसी के ऐसा कहने पर वोट मत दो। आप अपने वोट के खुद मालिक हो, अपने आप अपने हक का इस्तेमाल करो, अपना ऐसा उम्मीदवार चुनो जो आपके मसले मसाइल वहां पर उठा सकता है। एक आखिरी सवाल, मियां के तो एमआईएम गट नेता, और मैं किसी से भी बात करता हूँ फोन पर तो उसको यही बोलता हूँ एमआईएम गट नेता रियाज खरादी बोल रहा हूँ। तो मैं अपने पार्टी से पूरा पूरा लॉयल हूँ, पूरा वफादारी के साथ हूँ। बात अगर सिर्फ फोटो पर चलती होंगी तो फोटो से निष्ठा अगर पहचान दूंगी तो क्या गले में फोटो डालकर फिरना क्या? से बेहतर है तो बेशक पब्लिक उनको चुनकर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ठहरे तो मैं नाराज होऊंगा। बिल्कुल हर एक को, चाहे कोई भी हो, छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, हर एक को इलेक्शन फाइट करने की आजादी है, जमहूरियत है, ये इसी का नाम जमहूरियत है कि चाहे गरीब हो अमीर हो वो अपनी आजादी का इस्तेमाल कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। अगर एमआईएम पार्टी आने वाले महापालिका चुनाव में 1 सदस्य जेंट्स होता है, 2 सदस्य लेडीज होती है, तो उस वक्त एमआईएम पार्टी अपने भाई को अगर टिकट देती है तो उस वक्त रियाज खरादी क्या करेंगे? ये जनता फैसला करेगी ना, इसका फैसला जनता करेगी। बात करो और ये जो 6 लोग हैं इन पर कार्रवाई करो, ऐसा मैंने कहा था नहीं कहा था आप हमारे अध्यक्ष से पूछ सकते हैं। कुछ दिन से एक ग्रुप है दारुल सलाम नाम का, उस ग्रुप में ग्रुप के जरिए आप ही के एमआईएम के लोग जो है आपको बदनाम करे, आपको शायद पता भी है टीका टिप्पणी की गई, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखो मैं पहले ही बताया कि कुछ लोगों के टीका टिप्पणी करने से आपके नगर सेवकों में फूट पड़ी, जब उन्होंने अपने भाई की अनाउंसिंग की उम्मीदवारी की, जब कार्यकर्ता फूट हुए, कहीं ना कहीं एमआईएम के इत्याद को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहे ऐसा आपको लगता है? नहीं, उनके भाई की उम्मीदवारी डिक्लेयर करने से मैं तो नाराज नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। अच्छा, कार्यकर्ताओं को मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो दारुसलाम ग्रुप में मैं हूँ ही नहीं, मेरी वो लोग क्या बदनामी करते हैं। और ये सोशल मीडिया, सिर्फ अगर मीडिया सोशल मीडिया चलाकर अगर पार्टी चलती है तो सब लोग सोशल मीडिया से ही चलते ना, ग्राउंड लेवल पर कोई काम ही नहीं करता। सर मेरा वो क्या बोलते कि अधिकृत वो गए नहीं, लेकिन ऐसा नहीं रहता अधिकृत जाना या नहीं जाना, अगर कोई थोड़ी उनका क्रियाशील सभासद बनाकर अपने को दिखाने वाला कि हम गए, जबकि वो स्टेज शेयर कर रहे हैं, उनके सभा शेयर कर रहे हैं, उनके कैनवसिंग में घूम रहे हैं वो, तो फिर उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। सोलापुर शहर का लोक प्रसिद्ध मोबाइल शॉप हुमा गिफ्ट्स मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम ने लाया है खास ग्राहकों के लिए मोबाइल महोत्सव। एक ही जगह सभी प्रकार के लाइव डेमो देख सकते हैं, सबसे सस्ता सेल, 0% डाउन पेमेंट में ऑनलाइन से भी कम कीमत में मिलेगा मोबाइल, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, रेडमी, लावा, नोकिया,
आईटेल मोबाइल, बजाज फाइनेंस और आईडीएफसी बैंक की सुविधा उपलब्ध है। कैशबैक के साथ सभी कंपनीज के एक्सेसरीज, नेट बैंड, बर्ड, पावर बैंक, चार्जर, स्पीकर, अमेज़न, अलेक्सा, साथ ही साथ 0% डाउन पेमेंट पर स्मार्ट टीवी, एमआई, वन प्लस, कोडैक, एफ्लेकॉन जैसे ब्रांड के टीवी फाइनेंस सुविधा के साथ उपलब्ध। ऑल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की सुविधा पर 5,000 रुपए तक का कैश बैक, डेबिट कार्ड पर ईएमआई की सुविधा उपलब्ध। हुमा गिफ्ट मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम, हुमा मेडिकल के सामने, 7 रास्ता, सोलापुर।